गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाया था, जिसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन एंड आंसर बनाने के लिए दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क को अच्छे से बनाया होगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर बनवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द स्विंग, जिसे लिखा किसने है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं, क्या है क्वेश्चन आंसर। सबसे फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। इट मीन्स पोएम से जो करेक्ट वर्ड्स हैं उनको चूज करके इसमें भरना है। अप इन द सो ब्लू, अप इन द क्या है, अप इन द, देखिए यहाँ पे अप इन द एयर सो ब्लू। सेकंड क्या है, रिवर्स एंड ट्रीज एंड रिवर्स नदी और पेड़ और कैटल एंड ऑल। देखिए यहाँ भी इसको भी देख लेते हैं एक बार, हमारे बुक में है रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल। ओके नेक्स्ट, थर्ड क्या है, डाउन ऑन द देखिए इधर, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। चलिए मैं आपको तीनों वर्ड्स हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं हम लोग एयर, नेक्स्ट है हमारा कैटल एंड द लास्ट इज रूफ। आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट, आंसर इन वन और टू वर्ड्स, आंसर देना है एक शब्द में या दो शब्द में। देन द फर्स्ट क्वेश्चन, When the speaker see the countryside, हमारा क्वेश्चन क्या है, When the speaker see the countryside, मतलब स्पीकर जो है countryside को कब देखता है, countryside means गांव को, ग्राम के क्षेत्र को कब देखता है वो। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आप लोग बताइए कब देखता है। देखिए इसका आंसर होगा When the speaker goes up in the air, then he can see the countryside। जब स्पीकर जो है goes up, ऊपर की ओर जाता है हवा में, तब वह countryside को देख सकता है। The next question is second number, How many colors are mentioned in the poem? It means कि कितने कलर को जो है मेंशन किया गया है। राइट द कलर्स विद द थिंग्स दे डिस्क्राइब, कलर का नाम लिखना है उनकी वस्तुओं के साथ। तो देखिए देयर आर थ्री कलर्स मेंशन, तीन कलर को यहाँ मेंशन किया गया है। ब्लू किसके लिए, स्काई के लिए। जब एयर में जाता है स्पीकर तो क्या देखता है वो, स्काई देखता है, वो ब्लू देखता है, जो ब्लू दिखता है। ग्रीन फॉर गार्डन, ग्रीन गार्डन के लिए, एंड ब्राउन फॉर रूफ, छत जो है वो ब्राउन दिखता है। द थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मोमेंट्स ऑफ द स्विंग का मोमेंट को डिस्क्राइब करना है। तो आंसर क्या होगा इसका, स्विंग क्या करता है, अप एंड डाउन, यही ना उसका मोमेंट है, ऊपर जाता है और नीचे आता है। देयर आर टू मोमेंट्स इन स्विंग, there are two moments in swing, one up and the second is down। B का answer हो गया पूरा question का। and C, read the lines and answer the questions, इस line को पढ़ना है और question का answer देना है। चलिए तो पढ़ते हैं lines क्या है। Oh, I do think it the pleasantest thing
करा कि ओह आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग। इट मीन्स इसका मतलब है कि मैं सोचता हूँ कि यह हास्यपद रोमांचकारी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए नंबर पढ़ते हैं, व्हाट डज द स्पीकर थिंक इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग। स्पीकर सोचता है कि प्लीजेंटेस्ट थिंग क्या है, प्लीजेंटेस्ट थिंग। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्लीजेंटेस्ट थिंग मीन्स इंजॉयबल, प्लेजर, इंजॉयबल है ये, प्लेजर है ये। प्लीजेंटेस्ट थिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इंजॉयबल एंड प्लेजर। चलिए अब बी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब हम बी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट कैन ही सी व्हाइल ही डज दिस प्लीजेंटेस्ट थिंग। इट मीन्स व्हाट कैन ही सी, वह क्या देख सकता है जब ये प्लीजेंट थिंग जब होता है तो वो क्या देख सकता है वो। तो ही कैन सी ब्लू स्काई इन द एयर, वह ब्लू स्काई को हवा में देख सकता है वो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वन का ए और बी हो गया, अब टू टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जब तक तब तक आई लुक डाउन, मैं नीचे देखता हूँ गार्डन कैसा है, ग्रीन है इसका मतलब। तो अब ये इसमें क्वेश्चन क्या है, ए व्हेन डज द स्पीकर सी द ग्रीन गार्डन, व्हेन डज द स्पीकर सी द ग्रीन गार्डन, स्पीकर ग्रीन गार्डन को कब देखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन द स्पीकर गोज अप इन द एयर एंड लुक डाउन ही सीज द ग्रीन गार्डन, जब स्पीकर जो है वो ऊपर की ओर जाता है हवा में और फिर नीचे देखता है तो क्या देखता है, वो ग्रीन गार्डन को देखता है। बी नंबर, डू यू थिंक ही इज स्कैड वाइल डूइंग दिस, क्या आप सोच सकते हैं कि वह डर रहा होगा, डर गया होगा ऐसे चीज़ करने से, तो डरा होगा नहीं ना, वो तो इंजॉय कर रहा था। नो, आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो आई थिंक ही इज इंजॉइंग वाइल डूइंग दिस, मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा है, वह इंजॉय कर रहा है, जब वो ऐसा कर रहा है तो वो इंजॉय कर रहा है। चलिए सेकंड नंबर में एक और क्वेश्चन है, सी व्हाट फीलिंग डज ही सीम टू हैव, कैसा उसको लग रहा है, कैसा उसको महसूस हो रहा है, सीम कर रहा है, कैसा वो फीलिंग उसको हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही इज इंजॉइंग दिस मोमेंट, वो क्या कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा है इस मोमेंट को। इस चैप्टर में ए बी और सी बन गया, अब हम डी की ओर चलते हैं। चलिए डी में क्या है, थिंक एंड आंसर, सोचिए और उत्तर दीजिए। तो क्या सोचना है और क्या आंसर देना है, सोचिए पहले क्या क्या क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द स्विंग, स्विंग कहाँ है, इन अ विलेज, विलेज में और इन अ सिटी या शहर में, बताइए स्विंग कहाँ है, शहर में है या गाँव में है। हाउ डू यू नो, आपको कैसे मालूम, बताइए आप कैसे जानते हैं कि वो शहर में है कि गाँव में है। तो चलिए मैंने आपको बताया था ना कि जब स्विंग अप ऊपर की ओर जाता है तो वह अपने कंट्री साइड को देखता है, तो कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण एरिया जो है उसको देखता है, विलेज साइड के जितने भी एरिया हैं, विलेज एरिया को उसको देखता है वो। तो इससे इस लाइन से तो पता चल रहा है कि वो कहाँ है, वो विलेज में है, स्विंग कहाँ है, विलेज में है। तो चलिए अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो हम लिख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, द स्विंग इज इन अ विलेज बिकॉज द स्पीकर सीज द रिवर ट्रीज कैटल एंड कंट्री साइड, सो द स्विंग इज इन अ विलेज। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द स्पीकर सेज डैट सीटिंग ऑन द स्विंग इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड, डू यू एग्री विद द स्पीकर, आर देयर अदर एक्टिविटीज डैट चिल्ड्रेन इंजॉय एज वेल, नेम एनी टू। इट मीन्स द स्पीकर सेज डैट, स्पीकर कहता है, क्या कहता है कि सीटिंग ऑन द स्विंग इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग, ये बहुत ही आनंद वाला थिंग है फॉर अ चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, फॉर अ चाइल्ड बच्चों के लिए। डू यू एग्री विद द स्पीकर, स्पीकर के साथ आप एग्री हैं, यस आई एम एग्री विद द स्पीकर, ठीक है, क्या हम लोग एग्री है ना, स्पीकर बोल रहा है कि बच्चे जो हैं प्लीजेंटेस्ट ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो हाँ बिल्कुल करते हैं, तो यस हाँ आई एम एग्री विद द स्पीकर। नेक्स्ट क्या है, आर देयर अदर एक्टिविटीज,
डैट इज चिल्ड्रेन इंजॉय एज वेल, क्या और भी कोई एक्टिविटी है जिसको बच्चे इंजॉय कर सकते हैं? तो बहुत सारे एक्टिविटी हैं जिसे बच्चे इंजॉय करते हैं। तो यस देयर आर सम अदर एक्टिविटीज ऑल्सो डन बाई चिल्ड्रेन, जो बच्चों के द्वारा और भी बहुत सारे एक्टिविटी हैं जिनको बच्चे के द्वारा किया जा सकता है, सिंगिंग, सॉल्व पजल, लिसनिंग म्यूजिक ईटीसी, बहुत सारे चीज़ें आप भी सोच सकते हैं, बहुत सारे क्या क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, बहुत सारे हैं एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था तो दोनों का आंसर हो गया हमारे पास, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, यस, और फर्स्ट का भी यस, सेकंड का भी यस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है, डू यू थिंक दैट एन एडल्ट वुड इंजॉय अ स्विंग एज मच एज अ चाइल्ड डज, क्या सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक एडल्ट जो है वो भी बच्चे के जितना ही, बच्चे के जैसा ही इंजॉय कर सकता है? हाउ वुड यू नो अबाउट एन एडल्ट फीलिंग, कैसे आपको एडल्ट की फीलिंग आपको मालूम होगी? तो मैं बता रहा हूँ आपको आंसर, नहीं, नो, जितना एक बच्चा इंजॉय करता है उतना एक एडल्ट इंजॉय नहीं कर सकता है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि पहले चलिए इसका आंसर पहले देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। नो, आई थिंक एन एडल्ट वुड नॉट इंजॉय अ स्विंग एज मच एज अ चाइल्ड, देखिए लिखा मैंने आंसर ना, नो, नहीं, आई थिंक, मुझे लगता है कि एक एडल्ट जो है बच्चे के जितना इंजॉय नहीं कर सकता है, बिकॉज एन एडल्ट, क्योंकि एडल्ट जो है हैज मैनी प्रॉब्लम्स, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उनके करियर, उनकी लाइफ, उनकी फैमिली ईटीसी, ये सब सारे उनके प्रॉब्लम्स हैं, मतलब फैमिली में प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ को लेकर वो चिंतित हैं, कैरियर को लेकर वो चिंतित हैं कि हाँ क्या करना है आगे, इसलिए वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन बच्चे फुल ऑफ इंजॉय करते हैं, वो उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गया है, आपको मैं रिविजन वीडियो भी भेजूँगा, ओके।